नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। 25 लीटर का इलेक्ट्रिक गीजर है तो उसको आज मैं दोस्तों आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बाथरूम वाला एरिया है। देखिए यहाँ पे डाइवर्टर लगा हुआ है, शावर स्पाउट है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट बनाया गया है। राइट साइड में कोल्ड वाटर है, उसके बाद ये लेफ्ट साइड में हॉट वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला जो वाटर हीटर है दोस्तों वो इंस्टॉल होगा। पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले गीजर का अनबॉक्सिंग करना होगा। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हायर का गीजर है, यहाँ पे 25 लीटर का है। देखिए अनबॉक्स कर दिया। ऊपर दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मिलता है एनआरबी वाल्व। ठीक है, एनआरबी वाल्व क्या काम करता है अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो फास्टनर मिलता है, देखिए गीजर को हैंग करने के लिए। देखिए गीजर को मैं निकाल दिया बाहर, और बॉक्स में अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस ये वारंटी कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे दो फास्टनर मिलता है हैंग करने के लिए, और ये एनआरबी वाल्व मिलता है। गीजर जो है दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये इसका देखिए नीचे वाला व्यू है, यहाँ पे नॉब दिया है टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है। राइट साइड में कोल्ड वाटर आएगा जो कि ब्लू कलर से मार्किंग है, उसके बाद लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आएगा, आउटलेट है ये रेड कलर से मार्किंग है। देखिए यहाँ से पानी गर्म होकर निकलेगा, इधर कोल्ड वाटर जाएगा यानी कि ठंडा पानी इनलेट होगा और यहाँ से आउटलेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे वाला व्यू कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए वॉल सपोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ब्रेकेट दिया हुआ है। इसमें हम गीजर को हैंग करेंगे फास्टनर के जरिए। उसके बाद जो हायर गीजर है उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिमेंट जो है दोस्तों इसका वो 2000 वाट का है, पावर है यानी कि पावर कंजप्शन इसका 2000 वाट है। देखिए अब यहाँ पे फ्रंट वाला व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर का एम्बॉसिंग है। और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, गीजर आपका कितना गर्म हुआ है वो टेम्परेचर यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी चलिए इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका मार्किंग करना होगा। अब देखिए गीजर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए दो मार्किंग किया मैं इधर इधर। उसके बाद अब देखिए ये फास्टनर है, 10 mm का फास्टनर है। 10 mm के फास्टनर को फिक्स करने के लिए 12 mm का ये ड्रिल बिट होना चाहिए आपके पास। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों फास्टनर को प्रॉपर मैं फिक्स कर लिया। ध्यान रहे मजबूती से इसको फिक्स करना है, क्योंकि गीजर जब हैंग करेंगे ना तो 15 किलो का जो वेट है दोस्तों अभी खाली ही है, बिना पानी भरे हुए। पानी भरेंगे तो 25 किलो और वेट हो जाएगा, टोटल 40-42 किलो वेट हो जाएगा। इसलिए इसको मजबूती से फिक्स करना है, अदरवाइज गीजर जो है ना वो गिर सकता है। तो ध्यान रहे प्रॉपर इसको फिट करना है। चलिए फास्टनर लग गया, अब इसके ऊपर गीजर को हैंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गीजर को हैंग कर दिया, अब इसका कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे दो कनेक्शन पाइप है, काफ़ी मजबूत कनेक्शन पाइप है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर को झेल सके उसके हिसाब से इसको मैं चूज किया हूँ। अब यहाँ पे राइट साइड है, ये कोल्ड वाटर यहाँ पे आएगा, हॉट वाटर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, देखिए कोल्ड वाटर में तो एंगल कॉक लगेगा, क्योंकि गीजर वगैरह कब भी अगर आपको उतारना हो, इसलिए यहाँ पे कोल्ड वाटर में एंगल वाल देना है, हॉट वाटर में एंगल वाल नहीं देना है, क्योंकि हॉट वाटर का प्रेशर ऑलरेडी कम होता है। तो ऐसे में अगर यहाँ भी एंगल वाल देंगे ना हॉट वाटर में, तो प्रेशर को वो डिक्रीज करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे टिप्रान लगाएंगे, उसके बाद ये एनआरबी लगाएंगे। अब देखिए ये एनआरबी है, ठीक है, ध्यान रहे देखिए इस तरह से प्रेस करके देखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हार्ड होगा ना तो अगर प्रेशर लो आएगा ना तो खुलेगा नहीं एनआरबी, और एनआरबी जब ओपन नहीं होगा ना तो पानी स्लो जाएगा, या फिर कम ओपन होगा तो कम पानी इसमें जाएगा, प्रेशर को डिक्रीज करेगा। तो एनआरबी बिल्कुल बढ़िया है, एकदम स्मूथ है, बहुत ही हल्का सा प्रेस करने पर ये ओपन हो जा रहा है।
ठीक है। तो एनआरबी को यहाँ पे लगाएंगे, और मैं आपको बता दूँ, देखिए एनआरबी वाल्व क्यों लगाया जाता है। एनआरबी वाल्व दोस्तों क्या काम करता है, देखिए पानी के संपर्क को तोड़ता है, समझिए ध्यान से। देखिए हॉट वाटर का जो पानी है दोस्तों, मान लीजिए गीजर आपका गर्म हो गया ना, तो हॉट वाटर अलग रखेगा, कोल्ड वाटर को ये अलग रखेगा। अगर ये एनआरबी निकाल देंगे हॉट, तो हॉट वाटर कोल्ड वाटर आपस में मिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, गर्म होगा उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यही इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एनआरबी लगाया गया है, ताकि जो है हॉट वाटर अलग कर सके, कोल्ड वाटर अलग कर सके। इसमें नॉन रिटर्न वाल्व है, इसमें सिर्फ पानी जाता है, वापस रिटर्न नहीं आता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये टेम्परेचर मिक्स नहीं होने पाता, इसलिए यहाँ पे एनआरबी लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितनी स्पीड से पानी यहाँ पे जाएगा, उतनी ही स्पीड से पानी वापस आपका हॉट वाटर यहाँ से आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर लगा दिया मैं, यहाँ से ऑन कर दिया, और अब यहाँ पे पानी भर रहा है। ठीक है, पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसको जब उठाएंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा, देखिए पानी हमारा यहाँ पे जा रहा है, गीजर का जो टैंक है वो फिल हो रहा है। ठीक है, अब ये हॉट वाटर वाला भी कनेक्शन पाइप यहाँ पे लगा देंगे। देखिए हॉट वाटर वाला कनेक्शन पाइप लगा दिया। अब इसको यहाँ पे लगाने से पहले देखिए एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे पानी भर रहा है ना, तो पानी जब भरता है तो यहाँ पे एयर इकट्ठा होता है गीजर वाले टैंक के अंदर। ठीक है, और उस एयर को निकलना चाहिए। अगर एयर को इस तरह से बंद करके रखेंगे ना, जिस तरह से देखिए अभी मैं दबा के रखा हूँ, तो गीजर का जो ये टैंक है ना, इसमें पानी दोस्तों ये स्लो भरेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इधर से पानी जाएगा तो एयर इकट्ठा होगा और वो एयर को निकलना चाहिए, नहीं निकलने देंगे तो पानी भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो अभी देखिए इसको पकड़ के रखा हूँ मैं, एयर में आपको टेस्ट करवाता हूँ, देखना अभी एयर निकलेगा काफ़ी तेज़ी से। देखा आपने, तो यही एयर दोस्तों निकलना चाहिए, अभी इसको खुला ही रखना है। तो जब ये एयर निकल जाता है ना, पानी जब भर जाता है, उसके बाद इसको यहाँ पे लगाइए, या फिर अगर लगा भी देते हैं तो जो भी आपका डाइवर्टर होगा, टैप होगा, उसको ऑन रखना है, ताकि जो है एयर निकले। ठीक है, अब यहाँ पे पानी अभी भर रहा है। अब देखिए ज़रूरी बात और समझिए, देखिए अभी इसको यहाँ पे लगाना नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले प्लग टॉप में ध्यान रखना है। जब दोस्तों ये गीजर का टैंक पूरा फुल हो जाए ना, 25 लीटर का गीजर है, जब ये पूरा फुल हो जाता है उसके बाद इसको लगा के गर्म करेंगे। पानी अगर नहीं है इसमें, उसके बाद इसको अगर आप लगाते हैं ना, तो फिर गीजर का जो एलिमेंट है वो जल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखिए। थोड़ा सा वेट करेंगे, पानी यहाँ से जब निकल जाता है ना, उसके बाद इसको हम इलेक्ट्रिक वाले प्लग टॉप में लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे गीजर का जो टैंक है ना, वो यहाँ पे देखिए फुल हो गया और यहाँ पे पानी आने लगा है। मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ से पानी जितनी स्पीड से जाएगा, उतनी स्पीड से पानी यहाँ पे वापस आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे मैं अगर जैसे जैसे कम करूँगा, देखिए यहाँ पर कम कर दिया ना एंगल वाल के ज़रिए, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आउटलेट का प्रेशर कम हो गया, देखिए कम हो गया ना, देखिए। तो अब इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं, देखिए गीजर पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया, कोल्ड वाटर भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, हॉट वाटर भी कनेक्ट हो गया, यहाँ पे पानी भी भर गया गीजर के वाले टैंक के अंदर, दिखा दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रिक वाला प्लग टॉप है, इसको यहाँ पे लगा देंगे। अर्थिंग होना इसमें ज़रूरी है, अदरवाइज आपको शॉक वगैरह लग सकता है इलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थिंग होना चाहिए। अभी गीजर का पानी जो है गर्म नहीं है, टेम्परेचर दोस्तों यहाँ से आप सेट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये 0 टेम्परेचर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे पावर इंडिकेशन है, यहाँ पे हीटिंग इंडिकेशन है, पावर सप्लाई अभी ऑफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं 0 कर दिया, मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ, मैक्सिमम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इधर मैं फुल कर दिया। तो जो फुल हीटिंग टेम्परेचर है दोस्तों, वो है 70 से 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए 0 है, 60 डिग्री का टेम्परेचर आप रखिए, सबसे बढ़िया रहेगा, हाथ वगैरह कभी जलेगा नहीं। कई बार एक ही अचानक में ही कोई खोल देता है, बच्चा वगैरह ना, तो जलने का डर रहता है। यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पे मैं सेट करके रखा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको हॉट वाटर का प्रेशर, यहाँ से इसको मैं ऑन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे पानी आएगा, रिनलेट डाइवर्टर है, इधर मोटर वाला आएगा फ्रेश वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये कोल्ड वाटर आ रहा है, ये कोल्ड वाटर का प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद गीजर की तरफ देखिए हॉट वाटर ये है, अभी देखिए गीजर ऑन नहीं है। ठीक है, सप्लाई कट है, देखिए यहाँ पे हॉट वाटर का प्रेशर आ रहा है, ये हॉट वाटर है। अगर आपको मिक्स करना है, सावर में भेजना है, तो यहाँ से इस तरह से आप धीरे धीरे मिक्स करके इस पाउच में भी भेज सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सावर में भी ले सकते हैं, देखिए इस तरह से।
तो अभी दोस्तों देखा आपने इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाया। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो में आपको मुझे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इंस्टॉलेशन के बारे में अवेयर करना था। तो आज का वीडियो दोस्तों पूरा हुआ। मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में इग्नाइट आपके साथ।